संसद की सुरक्षा में सिंध पर गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। सीआरपीएफ के डीजी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित। संसद की सुरक्षा में सिंध पर पुलिस का एक्शन तेज। गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी हिरासत में लिए गए। विक्की के घर से रुके थे सभी चारों आरोपी। ललित झा नाम का शख्स फरार। चार गिरफ्तार, सभी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। अमोल और नीलम के साथ संसद के बाहर था ललित झा। नारेबाजी के वक्त बनाई थी वीडियो और जब उन्होंने कलर बम का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की उस वक्त ललित झा इनकी वीडियो बना रहा था। फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है जिसको लेकर दबिश डाल रही है पुलिस। विक्की का आपराधिक बैकग्राउंड आ रहा है सामने। कंपनी में ड्राइवर का काम करता था आरोपी। बताया जा रहा है कि इसका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। संसद में हमला करने वाले आरोपी अलग अलग समय पर गुरुग्राम पहुंचे थे। छानबीन में पन्नू का कोई एंगल नहीं सामने आया। आरोपियों ने भगत सिंह फैन पेज किया हुआ था ज्वाइन, सूत्रों के हवाले से खबर। कलरफुल स्प्रे से सभी का ध्यान खींचना चाहते थे आरोपी। पिछले 3-4 दिन से गुरुग्राम में जुटने लगे थे, सूत्रों के हवाले से खबर। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी नीलम। किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन में रही थी एक्टिव। हरियाणा के हिसार में टीचर हैं। हरियाणा के जींद में खाप पंचायत ने किया नीलम का समर्थन। सरकार से की जल्द रिहा करने की मांग। आज जींद में बुलाई मां पंचायत पर होगा मंथन। महाराष्ट्र के लातूर में अमोल शिंदे के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी, रिकॉर्ड खंगाला। किराए का ई रिक्शा चलाता था आरोपी सागर। पिता कारपेंटर हैं और मां हाउसवाइफ है। लखनऊ के आलमबाग में किराए पर रहता था है परिवार। मनोरंजन के घर से पुलिस को मिली ढेर सारी किताबें। चे गवेरा और क्रांतिकारी समेत स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां मिली। पिछले 3 महीने से सांसद ऑफिस के चक्कर काट रहा था मनोरंजन। संसद के एंट्री पास के लिए बार बार आना जाना था। एक दूसरे को 2 साल से जानते थे चारों आरोपी। सोशल मीडिया के जरिए हुई थी मुलाकात, फिर बनाया पूरा प्लान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। विजिटर गैलरी के पास बनाने पर लगाई गई रोक। पिछले 2 दिन में बने सभी विजिटर पास रद्द किए गए। स्पीकर के ऑफिस में ऑल पार्टी मीटिंग। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर हुई अहम चर्चा। मैसूर में प्रताप सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मनोरंजन को पास देने के विरोध में धरना। संसद की सुरक्षा में सेंध पर अमित मालविया का दावा। कहा आरोपी नीलम कांग्रेस और इंडिया अलायंस समर्थक है। नीलम को बताया आंदोलनजीवी। संसद सुरक्षा पर जयराम रमेश का ट्वीट। लिखा सत्तापक्ष और विपक्ष की लोकतांत्रिक ताकत को हर दिन नष्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। कांग्रेस
सांसद गौरव गोगोई का बयान, कहा घोर लापरवाही को छिपाने की कोशिश, बीजेपी सांसद से सवाल करने चाहिए। संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा राज्यसभा के दर्शक दीर्घा में हुई थी राजनीतिक नारेबाजी, 22 सितंबर को उठाया था मुद्दा। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने बताई आंखों देखी घटना, कहा स्पीकर की तरफ भागा था एक आरोपी, हनुमान बेनीवाल समेत कई सांसदों ने पकड़ा। संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर कांग्रेस का ट्वीट, प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुसे, औजला जी ने घुसपैठिए को दबोचा। संसद की सुरक्षा में सेंध पर तमिलनाडु के सीएम का बयान, कहा बिना देरी के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शशि पांडा का केंद्र सरकार पर हमला, जिस तरह महुआ को किया निष्कासित, क्या बीजेपी प्रताप सिम्हा को बाहर निकालेगी। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर गृहमंत्री से मांगा था जवाब, शाह ने चर्चा से किया इनकार। पीएम मोदी के काशी दौरे की तैयारियां तेज, पीएम योगी वाराणसी में आज तैयारियों का लेंगे जायजा, परियोजनाओं के काम की करेंगे समीक्षा। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सीएम के तौर पर संभाला कार्यभार, शपथ लेने के बाद से ही शुरू किया काम। आज छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में अहम फैसले ले सकते हैं सीएम साय। पीएम मोदी ने विष्णुदेव साय को दी शुभकामनाएं, कहा प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध। पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद, महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान से की पूजा। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, चार्ज लेते ही जारी किए कई आदेश। मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पर भी लगा प्रतिबंध, सीएम मोहन यादव ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राज्य में खुलेंगे 52 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, राम मंदिर जाने वाले भक्तों का अभिनंदन। राजस्थान में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, भजनलाल शर्मा की ताजपोशी में शामिल होंगे पीएम मोदी। जल बोर्ड के सीईओ को आतिशी ने लिखा पत्र, दिल्ली के कई इलाकों में सीवेज ओवरफ्लो पर कार्रवाई के निर्देश। भूपत भयानी ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी से मुलाकात की। किरीट सुमैया ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दायर की याचिका, सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप, मामले पर 17 जनवरी को सुनवाई। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा का किया ऐलान, 15 दिसंबर से वाराणसी से यात्रा का आगाज, सीतपुर में होगा समापन।
अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं, हिंदुस्तान को एक माना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा का धरना, आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू, एक महीने तक चलता है मेला, लाखों लोग होते हैं शामिल। काशी विश्वनाथ धाम को दीपों से सजाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूसरी वर्षगांठ पर जगमगाया मंदिर। अयोध्या की सरयू नदी में चलेगी वाटर मेट्रो, गुप्तार घाट तक कराएगी सफर, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बम विस्फोट, हादसे में एक छात्र घायल, पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में अवैध तरीके से रह रहा था छात्र। मुंबई में 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कई सालों से अवैध तौर पर भारत में रह रहे थे।